अभी के टाइम में ईमेल आईडी बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है। कहीं अगर हम फॉर्म भरते हैं जॉब वगैरह का, तो वहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है और ईमेल आईडी पे अपडेट आते रहता है। अगर हम बैंक में अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ईमेल आईडी का ऑप्शन होता है, हमें ईमेल आईडी देना पड़ता है। या हम पैन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ पर ईमेल आईडी को ऑप्शन रहता है, ईमेल आईडी हमको देना पड़ता है। और इस स्थिति में अगर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं होता है तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लैपटॉप से घर बैठे अपना ईमेल आईडी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जीमेल पे अपना जीमेल आईडी बनाने के लिए आप अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और उसमें टाइपिंग कीजिएगा जीमेल, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि जीमेल गूगल, इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके कीजिएगा तो आपके सामने ये जीमेल का जो है, आपका जो भी जीमेल का बनाए रहिएगा अकाउंट, वो ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ राइट साइड में जाइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि आइकन दे रखा है फ़ोटो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप जितने भी अकाउंट बनाए रहिएगा यहाँ पर आपको शो कर देता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि एड एनेडर अकाउंट, और यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा है साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है एड एनेडर अकाउंट, हमको इस पर ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो आपके सामने आपके पूरा अकाउंट यहाँ ओपन होके आ जाता है, जितने भी आप एक अकाउंट बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज एनेडर अकाउंट, हमको सिंपली नया अकाउंट बनाने के लिए हमको इस पर ओके करना है। अब यहाँ पे अगर आप पहले से कोई अकाउंट बना रखे हैं तो आप उसको उसमें अपना ईमेल आईडी और जो भी फ़ोन नंबर से अगर बना रखे हैं तो फ़ोन नंबर डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट लेफ़्ट साइड में क्रिएट अकाउंट, आपको इस पर ओके कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, यहाँ देख रहे हैं कि फॉर माय सेल्फ और दूसरा है कि टू मैनेज माय बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाहते हो तो ये वाले यूज कीजिए, अगर आप स्वयं यूज करना चाहते हैं तो फॉर माय सेल्फ वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालिए, जो भी नाम है, यहाँ पे लास्ट नेम डालिए। इसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी बनाना चाहते हो वो आपका ईमेल आईडी क्या, यहाँ पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा कि आप किस नाम से बनाना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसके बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका जो है जीमेल अकाउंट वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपके जो भी नाम डालना चाहते हैं, आप जीमेल अकाउंट में जो भी नाम डालना चाहते हैं या कोई भी अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या कोई नाम डालना चाहते हैं वो नाम डालिए, कोई नंबर डालिए, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से पासवर्ड चूज कर लीजिए, पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कोई नंबर डाल सकते हैं, कोई नाम डाल सकते हैं। तो इसमें सिंपली पासवर्ड को यहाँ पासवर्ड डालना है, जो आप पासवर्ड डालिएगा वो आप पासवर्ड को यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं शो शो वाले पे करके आप पासवर्ड को शो करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद मैं यूजर नेम, अपना जो भी मैं ईमेल आईडी रखना चाहता हूँ वो डाल दिया हूँ, ये पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को मैं दोबारा से यहाँ कन्फर्म कर दिया। अगर आप पासवर्ड को देखना चाहते हो सिंपली इस शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अपना पासवर्ड। तो अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से इसको आप करेक्शन भी सही भी कर सकते हो। इसके बाद इसको आप अनचेक करेंगे, अनचेक करते ही आपका पासवर्ड हार्ड हो जाएगा। इस पर सिंपली आपको यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये कन्फर्मेशन के लिए है। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर्सनल है, इसको आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डे है, मंथ है, ईयर है, वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे आपको कौन सा
आपका ईयर है और कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, वो उसमें से चूज कर ले। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना डे, यहाँ मैं मेन मंथ ये चूज कर लेता हूँ कौन सा मंथ है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो ईयर है आपका ईयर भी यहाँ पे आपको चूज कर लेना। जेंडर आप इसमें से चूज कर लीजिए, मेल है फीमेल या जो भी है। तो चलिए मैं यूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ रिकवरी के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया। इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो है ईमेल आईडी आप बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आई एग्री, यस हमारी आई एग्री है, क्योंकि मैं बनाना ही चाहता था तो मेरा जो ईमेल आईडी वो बन चुका है। तो आप इसको देखने के लिए कुछ वेट कर लीजिए क्योंकि ये प्रोसेसिंग चालू है। अब यहाँ देखिए कि मेरा जो जीमेल अकाउंट बनाया है वो यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि मेरा जो जीमेल अकाउंट हम बनाए हैं वो ओपन होके आ चुका है। सिंपली हम ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमें गूगल कम्युनिटी के टीम के तरफ से एक मैसेज भी आया हुआ, इस पर ओके करके पढ़ लीजिए। यहाँ देख लीजिए कि हाय कोमल, वेलकम टू गूगल, मतलब आप गूगल पे जो अपना जीमेल अकाउंट बना चुके हैं और आपका जो ईमेल है वो सक्सेसफुल्ली आपका जो एक जीमेल अकाउंट है वो बन के तैयार हो चुका है। इसी और आप अगर अपना जीमेल अकाउंट को देखना चाहते हैं तो फिर उसी वाले राइट साइड में जाइए, यहाँ देख लीजिए कि कोमल कुमारी के नाम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कीजिए और जो भी आप बनाए हुए हैं ईमेल वो आपको यहाँ पे आपका ईमेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली आप अपना ईमेल को यहाँ से देख सकते हैं, अपना मैसेज है यहाँ पे, अपना मैसेज यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो आपको यहाँ पे इनबॉक्स में शो होगा। अगर आप कुछ सेंड करते हैं तो वो आपको यहाँ सेंड वाले में ऑप्शन में यहाँ पे आपका शो करता है। तो गाइस अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरीके से नया नया और लेटेस्ट वीडियो में पर डे अपलोड करता रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ नॉलेज गेन होगा। सो गाइज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम घर बैठे लैपटॉप से ईमेल आईडी बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।